यह अशोभनीय है, निंदनीय है, संवेदनहीन है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश यह भी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। ऐसे समय में सोनिया जी का यह बयान आना कि लॉकडाउन जो हुआ वो पूर्व तैयारी के बगैर हुआ, यह तुच्छ राजनीति दर्शाता है। यह बयान अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, यह संवेदनहीन बयान है, यह बयान निंदनीय है। इस समय जब सारा देश एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस से लड़ रहा है दिन रात, तो हम सबको छोटी राजनीति छोड़ करके देश के हित को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। उनके मैं सिर्फ स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 मार्च 8 बजे हुआ, लेकिन उससे पहले ही पंजाब में लॉकडाउन हो चुका था, राजस्थान में लॉकडाउन हो चुका था, मध्य प्रदेश में जो अल्पकालीन सरकार अल्पमत की सरकार थी वह भी उसने भी विधानसभा स्थगित कर दी थी, और हम सब जानते हैं कि केरल और महाराष्ट्र की भी यही स्थिति थी। इसके साथ साथ 70 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को लॉकडाउन कर दिया गया था। जब 70% देश लॉकडाउन हो चुका था, उस समय यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को लॉकडाउन करने का तय किया, और देश ने भली भांति इसको फॉलो भी किया, इसका अनुकरण भी किया और इसको मजबूती प्रदान की। जब भारत को विश्व अपने दृष्टि से देख रहा है और कोरोना वायरस की लड़ाई को अहम बता रहा है, ऐसे में हम अपने देश में छोटी राजनीति पर उतर आए, यह अशोभनीय है, निंदनीय है, संवेदनहीन है। The magnitude of the challenge before us is daunting, but our resolve to overcome it must be greater. The COVID-19 pandemic has already caused untold suffering across the world, but it has also reaffirmed the bonds of brotherhood that unite humanity. In our country, those who are most vulnerable to the consequences of this pandemic are the poor and disadvantaged. We must come together for their sake and do all we can to support them through the struggle they are going through. Lockdown zaruri ho sakta hai, lekin jis tarah se lagu kiya gaya wo bhi केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए।